हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 13 मार्च 2019 की प्रीलिम्स रिटर्न सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलते हैं आज की हमारे डिस्कशन की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं आज के हमारे कुछ क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे आज आपके सामने, वो यहाँ पे ये यह है कि इंडियन नेवी और जो ब्रिटिश रॉयल नेवी है उनके बीच में कौन सी एक्सरसाइज है जो नहीं होती। हमें यहाँ पे नहीं वाला पूछा है, नोट एसोसिएट वाली चीज वो पूछी गई है, ये हमें बतानी है। पहला ऑप्शन आपके सामने एक्सरसाइज मालाबार, दूसरा एक्सरसाइज कोकण, तीसरा एक्सरसाइज अजैवोरियर और चौथा है इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम। अब देखो मैं आपको बताऊं कि जो एक्सरसाइज मालाबार है वो इंडिया प्लस यूएसए प्लस आज जब अब है वो जापान भी शामिल हो गया है, इन कंट्रीज के बीच में होती है। इसका मतलब पहली तो स्टेटमेंट नहीं वाला पूछा, इसका मतलब कहीं ना कहीं पहला वो सही होगा कि हमें पहला ऑप्शन है वो बताना है, क्योंकि नहीं वाला पूछा ना तो ये तो इंडिया यूएसए के बीच में है, ना कि इंडिया और ब्रिटिश नेवी के बीच में। एक्सरसाइज कोकण है वो बिल्कुल इंडियन नेवी और ब्रिटिश नेवी के बीच में होती है, तो ये तो सही है। और इसके बाद में एक्सरसाइज अजैवोरियर है, ये एक्चुअली इंडिया प्लस यूके मतलब ब्रिटेन हो गया एक तरीके से, कि ब्रिटिश की इसकी आर्मी एक्सरसाइज है, ये आपको ध्यान में रखना है। अजैवोरियर है वो इंडिया और यूके की आर्मी एक्सरसाइज है, और IONS इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम है, इसमें तो ऑब्वियसली ब्रिटेन है वो शामिल है, नेवी सिंपोजियम नेवी के लिए एक्सरसाइज है। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा बी, कि पहला और तीसरा वो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि पहला और तीसरा एक्सरसाइज है वो इंडियन आर्मी सॉरी पहली और तीसरी है वो इंडियन आर्मी के बीच में एक्सरसाइज है वो होती है, तो इसलिए मैं ध्यान में रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन यानी कि ITU को लेके। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इसे 1865 में स्थापित किया गया था इंटरनेशनल कनेक्टिविटी कम्युनिकेशन नेटवर्क के लिए। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि यह यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए काम करती है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे ये कह रहा है कि इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, तो देखो इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन इसको लेकर तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, मतलब पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा तो उसका आंसर हो जाएगा सी, वन सेकंड थर्ड। जो आज की हमारी डिस्कशन का पहला आर्टिकल है वो है स्पार्क को लेके। देखो स्पार्क गवर्नमेंट की एक स्कीम थी, स्पार्क की फुल फॉर्म है यहाँ पे स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलेबरेशन। तो अब देखो फुल फॉर्म देख के आपको समझ में आ गया कि भाई ये एकेडमिक रिसर्च और कोलेबरेशन को प्रमोट करने के लिए, मतलब कौन सी मिनिस्ट्री की है, ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ HRD है, मिनिस्ट्री ऑफ HRD की स्कीम है, तो ये फैक्ट हमें ध्यान में रखना। स्पार्क नाम से थोड़ा पता नहीं चलता है कि किसकी स्कीम है, तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंटेक्स्ट यह है कि अभी हमारे देश में जो स्पार्क स्कीम है ना, इसके इनिशिएटिव के साथ IIT मंडीज हैं, मतलब IITs हैं उनके अंदर कोलेब्रेशन है, उसके प्रस्ताव वगैरह अभी चयन सेलेक्ट है वो किए गए हैं। तो कंटेक्स्ट वैसे कुछ खास नहीं है, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है स्पार्क स्कीम। देखो स्पार्क स्कीम का मेन मोटो ये है कि हमारे देश के जो भी इंस्टीट्यूट है ना, टॉप इंस्टीट्यूट, उनकी एजुकेशन क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया जा सके, उसके अंदर एकेडमिक रिसर्च है इनोवेशन है उनका यूज करके भारत के हायर एजुकेशन की क्वालिटी है उसको और बेहतर बनाना ग्लोबल लेवल पे, ये है स्पार्क स्कीम का मोटो। ये जो स्कीम है वैसे अगस्त 2018 में स्टार्ट है वो करने की बात है वो की गई थी, उस टाइम पे गवर्नमेंट ने इसको अनुमति है वो दी थी। ये ध्यान रखना स्पार्क स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो एजेंसी है जो संस्था है वो हमारे देश की IIT खड़गपुर है, मतलब IIT खड़गपुर है उसके सानिध्य में स्पार्क स्कीम को इम्प्लीमेंट हो किया जाएगा, वो इसको मॉनिटर वगैरह करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ HRD के अंदर ये आएगी, ऑब्वियसली ये फैक्ट भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है हड़प्पन सिविलाइजेशन को लेके। आर्टिकल में देखो ये है बेसिकली कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को लेके अभी केरल के कुछ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स वगैरह थे, उन्होंने रिसर्च वगैरह की कहाँ पे, कच्छ जिले, गुजरात का जो कच्छ जिला है वहाँ पे धोलावीरा के पास में, और वहाँ पे जो कब्रिस्तान था वहाँ पे कुछ मतलब उन्होंने सबूत वगैरह भी कलेक्ट है वो किए हैं। तो पहले तो हम एक बार ये देखते हैं कि कौन सी साइड इंडिया में आती है और कौन सी साइड है वो पाकिस्तान में आती है, क्योंकि देखो कई बार UPSC इसके बारे में क्वेश्चन वो पूछ लेती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन की जो मेन मेन इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, जैसे कि हड़प्पा हुई या मोहनजोदड़ो हुई, ये दोनों ही पाकिस्तान में आती हैं, क्योंकि उस हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो मेन एरिया है वो पाकिस्तान के अंतर्गत है। इसके साथ ही अगर इंडिया में बात करें तो रोपड़ आता है, रोपड़ की लोकेशन आपको बताना चाहिए कहाँ पे है, इसके बाद में राखीगढ़ी आता है, राखीगढ़ी के बाद में यहाँ पे भिराना आता है, इसके बाद में कालीबंगा जो कि इम्पोर्टेंट जहाँ पे जूते हुए खेतों के साक्ष्य हैं वो मिले थे, लोथल है वो गुजरात में है,
धोलावीर है, वो भी गुजरात के कच्छ वाले एरिया में। तो इनकी लोकेशन यूपीएससी कई बार मेंस द फॉलोइंग में पूछ लेती है कि भाई लोकेशन है कहाँ पे, राखी गढ़ी है ये एक्चुअली, और यहाँ पे भिराना है, ये दोनों ही हरियाणा में है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी उन्होंने कंटेक्स्ट मैंने आपको बताया कि उन्होंने रिसर्च वगैरह की थी, तो वहां पे जो कब्रिस्तान है वो नया कब्रिस्तान डिस्कवर किया गया, और उसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये देखने को मिली है कि अभी तक गुजरात के अंदर जो कब्रिस्तान में जो कब्र वगैरह मिली है ना, वो केवल गोल या आधी गोल टाइप में मिली है, मतलब रेक्टेंगुलर शेप में नहीं मिली थी, आयताकार शेप में नहीं मिली थी। बट अब पहली बार ऐसा हुआ है कि गुजरात के जो कब्रिस्तान है वहां पे आयताकार शेप में या रेक्टेंगुलर शेप में कब्रिस्तान में जो कब्र वगैरह है वो मिली है। तो ये यहाँ पे कंटेक्स्ट है, वो मिला है। इसके साथ जो कब्र है वो बाकी वर्ताकार शेप में भी मिली है, मतलब सर्किल शेप में भी मिली है, वो तो देखो इतना नहीं है, बट ये इम्पोर्टेंट एक नया इफेक्ट यहाँ पे आया, तो यूपीएससी इसके बारे में पूछ सकती है कि भाई जो एक ये इफेक्ट यहाँ पे रहा है कि जो भी इंसान ने की कब्र थी उसके साथ ही जानवरों के कंकाल है, नर्व सिस्टम वो भी पाए गए। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मृत्यु के बाद भी उम्मीद की जाती थी कि भाई जानवर है, मृत्यु के बाद भी उम्मीद की जाती थी कि भाई इंसान की लाइफ वो होती है, और इसलिए उसकी जो पवित्र जो उसकी इंपॉर्टेंट चीज थी वो उनके साथ ही दफना दी जाती थी। तो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के कुछ फैक्ट हैं जिनको हमने यहाँ पे कवर किया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है जीआई टैग को लेकर। सबसे पहली बार जीआई टैग होता क्या है, काफी बार हम डिस्कस कर चुके हैं वैसे तो। देखो जीआई टैग यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, इसका मेनली जो यूज है वो ऐसे प्रोडक्ट के लिए किया जाता है जो कि किसी स्पेशल ज्योग्राफी एरिया से बिलोंग है, वो करते हैं मतलब उस एरिया के वो फेमस होते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हम देख सकते हैं आसाम की दार्जिलिंग चाय के, जो दार्जिलिंग चाय इसके बारे में बात कर लो, या फिर तिरुपति के जो लड्डू हैं उनकी बात कर सकते हो, इसी के साथ ही वेस्ट बंगाल के रसगुल्ले उनकी बात कर सकते हो आप, बनारस की जो साड़ी हैं उनकी आप बात कर सकते हो। काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग मिला हुआ है, बासमती राइस के बारे में बता आपको, इसके साथ ही बीकानेर की भुजिया हो गई, मतलब बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो पर्टिकुलर उसी अपनी ज्योग्राफी की स्पेशल है वो होते हैं, यूनिक चीज़ होती है। जैसा मैंने आपको बताया कि वो उस एरिया की विशेष मतलब स्पेशल होती हैं और वहाँ की प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई होती हैं, और उनकी क्वालिटी भी उस एरिया से ही बिलोंग है, सुनिश्चित होती है। अब आपको ध्यान में रखना है कि इंडिया में जो जीआईटेक का कॉन्सेप्ट है ना वो 2004 में स्टार्ट हुआ था, और सबसे पहले दार्जिलिंग टी, दार्जिलिंग कहाँ पे आता है, दार्जिलिंग आता है वैसे वेस्ट बंगाल में, ये आपको ध्यान में रखना है, वहाँ पे जीआईटेक है वो स्टार्ट हुआ था। और ये इंपॉर्टेंट है कि जो जीआईटेक है वो 10 साल के लिए वैलिड होता है, हर 10 साल के बाद इसको रिन्यू करना होता है, ये इफेक्ट आपको ध्यान में रखना है, यूपीएससी इसके बारे में पूछ सकती है। अभी कंटेक्स्ट ये आया है कि कर्नाटका के अंतर्गत जो उत्तरी कन्नड़ वाला एक जिला है, उस जिले में सिरसी नाम की एक सुपारी बनाई जाती है, सुपारी होती है, देखो जो तंबाकू वगैरह में यूज होते हैं सुपारी की बात की जा रही है, तो जो सिरसी सुपारी है उसको जीआई टैग है वो दिया गया है। बस इतना ही हमें याद रखना है कि अभी सुपारी को जीआई टैग कहाँ पे दिया गया है, कर्नाटका में, हमारा काम बन गया। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, WGC, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है, उसने अभी अपनी रिपोर्ट पब्लिश की है। कौन सी रिपोर्ट, कि भाई कौन कौन से कंट्री के पास कितना सोना है उन्होंने होल्ड कर रखा है, मतलब कितना सोना किस किस के पास है। सबसे ज्यादा जो सोने की बात करें, उस स्टोरेज है, रिजर्व है, वो है यूएसए के पास। यूएसए के पास अभी लगभग 8,133 टन सोना पड़ा है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है जर्मनी, थर्ड नंबर पे आता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, फिर फोर्थ नंबर पे इटली है। ये ध्यान रखना इंडिया है वो 11th नंबर पे है, ये इंपॉर्टेंट आपको हो जाता है कि इंडिया के पास जो गोल्ड रिजर्व है, गोल्ड का जो स्टोरेज है वो है 607 टन के आसपास। और इसके साथ ही यहाँ पे बात हम बात करें जो चाइना है हमारा पड़ोसी देश, उसके पास है लगभग 1864 के आसपास। तो ये फैक्ट भी थोड़ा हमें पता होना चाहिए कि भाई चाइना के पास ज्यादा है। अब इम्पोर्टेंट बात है कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है क्या। देखो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल क्या है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जो गोल्ड को मॉनिटर करने के लिए, गोल्ड की क्वालिटी है वो उसको इंश्योर करने के लिए, ये सारा काम किया जाता है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के द्वारा। इसको ये क्या करती है, जो गोल्ड का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है इसको मतलब मॉनिटर करना, इसके साथ ही जो स्मगलिंग वगैरह होती है उनको भी फोकस करती है, और जो गोल्ड मार्केट है उसके अंदर एक तरीके से अपनी वैल्यू है, जो ब्रांड प्रतिष्ठा है वो बना के रखती है। ये अपने आप में एक इस टाइप का एक अद्वितीय अनोखा संगठन है या ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गोल्ड इंडस्ट्री को मतलब सही डायरेक्शन में लेके जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखो ये ध्यान रखना इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कोई कंट्री नहीं है, ये तो एक्चुअली जिस तरीके से वर्ल्ड बैंक है उसी तरीके से है, और इसके पास भी गोल्ड स्टोरेज है, तो ये थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है आपको, तो उसके बारे में आपको पता होना सही है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पे वो आया है एस्ट्रोसेट को लेकर। क्या है, देखो एस्ट्रोसेट ना वो एक ऑब्जर्वेटरी है, मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी,
जो किसकी है, इंडिया की है। ये एक्चुअली इंडिया ने बनाई थी कब, 2015 में इसको लॉन्च है वो किया गया था, और स्पेस के अंदर इसको मतलब भेजा गया था स्पेस के अंदर स्टडी वगैरह करने के लिए। काम क्या है इसका, मोटो ये था कि स्पेस के या ब्रह्मांड में जाके उसकी स्टडी करना, जो भी अनसुलझे रहस्य हैं उनके बारे में पता लगाना। अब देखो ब्रह्मांड के रहस्य कुछ भी हो सकते हैं, यूपीएससी यहाँ पे दे सकती है कि नए प्लेनेट की डिस्कवरी करना इसका उद्देश्य है, इसके साथ ही इसका मोटो ये रखा गया कि नई जो आकाश गंगे हैं उनके बारे में स्टडी वगैरह, वो कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जब यूनिवर्स की स्टडी करनी है देखो उसमें कुछ भी चीजें जो भी मतलब उनको जल्दी चीज सबूत मिलेंगे उसकी वो स्टडी करने लग जाएंगे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अभी कंटेक्स्ट यह है कि जो ये मल्टी वेवलेंथ स्पेक्ट्रो ऑब्जर्वेटरी एस्ट्रोसेट ये इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई थी सितंबर 2015 में, इसने अभी अपने रिजल्ट या आउटपुट भेजना शुरू किया है, उसको लेके भी न्यूज है वो आई है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि अभी उन्होंने एक अल्ट्रावायलेट स्टार है उसको डिस्कवर, उसकी नई जनसंख्या है, उसकी नई जो पॉपुलेशन है उसको डिस्कवर किया है, जो कि पाई गई है कहाँ पे, ग्लोबुलर क्लस्टर एनजीसी 2808। अब है कहें ग्लोबल क्लस्टर एनजीसी 2808। देखो ये जो ग्लोबल क्लस्टर है ना एनजीसी 2808, इसका मतलब ये है कि बहुत सारे असंख्य तारे हैं, एक तरीके से मिलियंस ऑफ स्टार दे दिया है, थाउजेंड टू मिलियन स्टार जो कि एक ग्रुप में मूव है वो करें। एक तरीके से आकाश गंगा होती है उसमें तो बहुत सारे तारे होते हैं मिल्की वे जिसकी हम बात करते हैं, उसमें तो क्या होता है बहुत अरबों खरबों तारे हैं वो होते हैं, बट जो मिलियंस ऑफ स्टार एक जगह मूव कर रहे होते हैं एक ग्रुप के अंदर, उसको बेसिकली ग्लोबल क्लस्टर के नाम से जाना जाता है। तो ये यूपीएससी पूछ सकती है ग्लोबल क्लस्टर होता क्या है, तुम्हें पता होना चाहिए कि मिलियंस ऑफ स्टार थाउजेंड ऑफ जो स्टार हैं वो एक ही डायरेक्शन में एक ही साथ मूव ऑन कर रहे होते हैं इधर से उधर, उसको कहा जाता है। तो इसकी भी उन्होंने मतलब डिस्कवरी है, इसके बारे में पता उन्होंने लगा है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है वुड स्नेक। वुड स्नेक का मतलब ये वुडन की या लकड़ी की तरह वो दिखाई देता है। देखो जो वुड स्नेक है वो काफी पहले देखा गया था और अभी 140 साल बाद इसको वापस इसको मतलब देखा गया है कहाँ पे, मेघालय में। ये इंपॉर्टेंट है, मेघालय में जो मेघालय वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहां पे उसको साइंटिस्ट ने वापस एक तरह से डिस्कवर ही किया है। वैसे तो जो ये स्पीसीज है वो एंडेमिक है मेघालय में, ये मेघालय की जो फॉरेस्ट है मेघालय फॉरेस्ट उन्हीं में पाई जाती है, इसके साथ ही पेरियार टाइगर रिजर्व लैंडस्केप में भी पाई जाती है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन ये है कि पेरियार टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पे, इसकी लोकेशन आप बताइए पेरियार टाइगर रिजर्व के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है सीपरी के बारे में। सीपरी का मतलब है यहाँ पे स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसको 1966 में इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के तौर पे स्थापित किया गया था। इसका काम यह है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में पीस के लिए यह काम है वो करता है, पीस को लेकर रिसर्च वगैरह को प्रमोट करना। एक तरीके से जो भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जो भी आर्मामेंट का इश्यू हो या फिर आर्म कंट्रोल करना हो या फिर डिसआर्मामेंट हो, ये सारे काम इसके द्वारा किए जाते हैं। अभी बात ऐसी है कि इसके द्वारा यानी सीपरी के द्वारा इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफर 2018 रिपोर्ट पब्लिश की गई है और इसमें 2014 से लेकर 2018 तक के डाटा को सामने लाया गया। तो इसमें दो तीन फैक्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो फैक्ट ये है कि इंडिया है वो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है वेपन्स का, 2014 से 18 के बीच की अगर बात करें तो। ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी वेपन प्रोड्यूस होते हैं उनमें से 9.5% जो वेपन्स है वो तो के लिए इंडिया ही इंपोर्ट है वो करता है। इसके बाद में बिगेस्ट एक्सपोर्टर की बात करें तो उसमें आते हैं 2011 से 15 के बीच में तो आता है यूएस, रशिया, फ्रांस, जर्मनी और चाइना। ये आपको ध्यान में रखना है, चाइना है वो फिफ्थ नंबर का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है वेपन्स का, नंबर वन पे है यूएस और सेकंड पे है रशिया, फिर फ्रांस और फिर जर्मनी। तो ये इसके बारे में कुछ जो फैक्ट है हमने यहाँ पे कवर किए। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन, तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।